कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है और वोट डालेंगे और पूरी तरह से भाजपा साफ हो जाएगी। हम लोग निर्वाचन आयोग से शिकायत किए, निर्वाचन आयोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पूरी तरह से प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी की सारे पर काम कर रहा है और खासकर गुड विधानसभा क्षेत्र में शासन प्रशासन की विशेष नजर है। लेकिन यहाँ के जो मतदाता है हर वर्ग के, कोई एक वर्ग नहीं, हर वर्ग का मतदाता कांग्रेस के पक्ष में। पिछले 20 साल से यहाँ पे 20-25 साल से यहाँ पे एक शासकीय कॉलेज है, ना तो उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है, ना तो उसमें अब नियमित रूप से कॉलेज क्लास लग रही है, ना तो नियमित रूप से कोई वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने के लिए, ना उसमें लाइब्रेरी की सुविधा है, ना तो कुछ है, ITI नहीं है। गुड़ में मतलब शिक्षा को चौपट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार सिर्फ युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं बस। CM राज स्कूल दो आई थी गुड़ विधानसभा में, ये बदमाश थे विधायक, एक रीवा ले गया, एक अपने यहाँ क्षेत्र में दिया जो कि रायपुर में खुली है। लेकिन रीवा क्या है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि निश्चित ही कांग्रेस फिर से पाई पाई जोड़ के अपने प्रदेश को सही रास्ते पे ले आएगी, सही ढंग पे ले आएगी। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन वो रास्ते पे जरूर आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। इस वक्त जो है तो हम कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो किन मुद्दों को लेकर के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, इस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है द खबरदार न्यूज पर, और आपका परिचय जानते हुए हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या हैं। मेरा नाम महेंद्र उपाध्याय, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। और जो मुद्दे हैं, पहली बात तो है कि बेरोजगारी यहाँ पर अहम मुद्दा है। और यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है नागेंद्र सिंह, इनके द्वारा पूरी तरह से क्षेत्र में अराजकता का माहौल पैदा किया है। 15 वर्षों से फर्जी मुकदमे कायम कराना, और यहाँ एक डॉक्टर कल्याण सिंह है, अनगिनत तो लोगों को परेशान कर रहा है। चुनाव में नागेंद्र सिंह की तरफ से पैसा और दारू पूरे क्षेत्र में बांट रहा। तीसरी बात ये है कि अभी हमारा एक सेल्समैन है, उसकी पत्नी फांसी लगा कि इसकी प्रताड़ना से ख़त्म हो गई। अभी कल हमारा एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, उसके यहाँ अनावश्यक रूप से छापा डलवाया VT में, रामदयाल चौरसिया के यहाँ। और इस तरह से पूरे क्षेत्र में अभी उमरी में एक यादव के साथ मारपीट कुशवाहा के साथ हुई, रायपुर थाना में बैठा है। चुनाव आते आते जैसे अब 2 दिन शेष बचा है, इन 2 दिनों में प्रशासन के बल पर लोगों को परेशान कर रहा है। और इसलिए कि 2 दिन बाद जब 17 तारीख को मतदान होगा, तो पूरे क्षेत्र में खासकर नौजवान हमारे जो साथी है, पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका है और ये कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है और वोट डालेंगे और पूरी तरह से भाजपा साफ हो जाएगी। आप एक बड़ी चीज कह रहे हैं कि पैसे और दारू बांटे जा रहे हैं। आप ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आपके साथ एक बड़ी टीम है, तो फिर वो टीम क्या कर रही है? हमारी टीम रोक रही है, चारों तरफ रोक रही उस चीज को। और हम लोग निर्वाचन आयोग से शिकायत किए, निर्वाचन आयोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पूरी तरह से प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी की सारे पर काम कर रहा है और खासकर गुड़ विधानसभा क्षेत्र में शासन प्रशासन की विशेष नज़र है। लेकिन यहाँ के जो मतदाता है हर वर्ग के, कोई एक वर्ग नहीं, हर वर्ग का मतदाता कांग्रेस के पक्ष में कुंवर कपिल देव सिंह को चुनाव जिताने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। आप युवा हैं, युवाओं के लिए वर्तमान सरकार या पिछली सरकारों ने क्या कहा? हमको तो देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। वर्तमान समय में इतनी भ्रष्ट सरकार है BJP कि अब पूछिए ही मत। विधायक जी हमारे 5 साल क्षेत्र में कहीं दिखे नहीं। हम लोग देखने के लिए तरस गए विधायक जी को कि 5 साल क्षेत्र में है कहाँ, तो हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, जितनी भी फैक्ट्रियां थी, ट्रेन है, ये सभी चीज़ें बेच चुके हैं। अब हम लोगों को फुटपाथ पे ला के रख दिए हैं, ऊपर से करोड़ों का कर्जा भी लिए हैं। 75 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, ये कैसे जमा होगा? हम लोगों से ज़बरदस्ती किसी में टैक्स लगा देंगे, महंगाई चरम सीमा पर है। टोल टैक्स 60 रुपये लगता था, जब से टनल बन गया सीधी हम लोग को जाना नहीं होता है, लेकिन रीवा जाना रोज का है, 90 रुपये एक बार में देना पड़ता है। तो इतनी महंगाई हो गई है और रोजगार के अवसर मिल नहीं रहे। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनकर के आते हैं तो क्या उम्मीदें रहेंगी? निश्चित है कि कांग्रेस सरकार पिछले 60 साल में जितना कुछ बनाई थी, इन्होंने एक बार तो बेच दिया है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि निश्चित ही कांग्रेस फिर से पाई पाई जोड़ के अपने प्रदेश को सही रास्ते पे ले आएगी, सही ढंग पे ले आएगी। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन वो रास्ते पे जरूर आ जाएगी। और एक विधायक की और एक चाल है,
यहाँ पे जितने भी सरपंच हैं सभी सरपंचों को जो शासन से पैसा आता है 2 करोड़ रुपए विधायक को मिलते हैं उसमें से 30% दो और पैसा ले जाओ। ये इनके दो दलाल हैं, ये दो दलालों के माध्यम से ये पूरा गेम जो है ये विधायक का चलता है। ये बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं आप इसके, कुछ इसके 15 महीने की सरकार इतनी अच्छी थी कि निराश्रित पेंशन 300 रुपये था तत्काल 600 रुपये किया, किसानों का कर्जा तत्काल माफ़ किया और माफ़ करने के लिए नंबर लग रहा था। कुछ हमारे कांग्रेस पार्टी के चोर थे, बदमाश थे, फ्रॉड थे, पैसा लेकर बिचाऊ हो गए, चले गए दूसरे दल में, सरकार टूट गई। आज जो वर्तमान हमारे यहाँ के क्षेत्र का विधायक है इसको सुनाई नहीं देता है, इसको याद बिसर जाती है, कहता कुछ है कि बोलता कि हम तो बिसर गए यार, क्या बोले थे हम वहाँ पर। एक नहर यहाँ पर बनी है, मऊगंज सिंचाई उद्वहन योजना है, 4 माह से फूटी पड़ी है, वो नहर नहीं बनवा सका, ये देश के लिए क्या करेगा, अपने बाल बच्चों के लिए क्या करेगा है किसानों के साथ। किसानों का 80 से 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है उस नहर के में पानी न छोड़ने की वजह से, तो उसके उसको लेकर के क्या आश्वासन दिया जाता है या फिर क्या बात कही जाती है? कुछ उनके पास जाने के लिए पहले तो दलालों के पास जाना पड़ेगा उनके, फिर वो दलाल उनके माननीय जी के पीए के पास, ढिल्लन साहब के पास ले जाएंगे, फिर ढिल्लन साहब अगर चाहेंगे तब विधायक जी के पास पहुंचेगी, अगर ये नहीं मिलेगा तो विधायक जी के पास नहीं। शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? एक मिनट रुकिएगा, शिक्षा के लिए यहाँ पर क्या काम किया गया, कॉलेज वगैरह की क्या व्यवस्था है? पिछले 20 साल से यहाँ पे 20-25 साल से यहाँ पे एक शासकीय कॉलेज है, ना तो उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है, ना तो उसमें अब नियमित रूप से कॉलेज क्लास लग रही है, ना तो नियमित रूप से कोई वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने के लिए, ना उसमें लाइब्रेरी की सुविधा है, ना तो कुछ है, ITI नहीं है। गुड़ में मतलब शिक्षा को चौपट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार सिर्फ युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं बस। लेकिन मंच से तो युवाओं की बात बहुत की जाती है। मंच से और जमीन में और मंच में करने में बहुत फर्क होता है। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ। एक बार और बोला हमें, हमारी बात ये है कि गुड़ विधानसभा में हरहा आके यहाँ से राज करते थे, हरहा दूसरे क्षेत्र के, दूसरे जिला के। 72 कांग्रेस पार्टी इस बार ग्रामीण व्यक्ति का टिकट दी थी, स्थानीय व्यक्ति का, इसलिए हम लोग स्थानीय व्यक्ति को चुनेंगे। स्थानीय और बाहरी का भी मुकाबला। हाँ, हरहा भगाओ घरहा लाओ, इस प्रकार की बात है। और दूसरी बात और, यहाँ पर CM राज स्कूल 2 आई थी गुड़ विधानसभा में, ये बदमाश थे विधायक, एक रीवा ले गया, एक अपने यहाँ क्षेत्र में दिया जो कि रायपुर में खुली है। लेकिन रीवा क्यों ले जाएंगे, तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। उनसे आप पूछिएगा कि आप रीवा क्यों ले गए, यहाँ पर 2 CM राज स्कूल आई थी गुड़ विधानसभा के लिए, एक रायपुर में खुल गई, एक रीवा ले गए। रीवा कहाँ गए? रीवा में खुलवा दिया। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ जो कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपनी बातचीत रखी। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना